वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी अभी बंद हुई है और 3:04 बजने वाले हैं, बिल्कुल बेसिकली 4:00। एंड मार्केट का हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑन 27th of September और द मार्केट ऑफ 28th of September दिन रहेगा वेडनेसडे। सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल पे हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमें पैसा बना और कल कौन से सेटअप बनते हैं। तो चलिए सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट गाइस। मार्केट आज जहां ओपन हुई हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुई, एग्जैक्टली पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, वापस रेजिस्टेंस, मार्केट ने लेवल की तरफ खोल के पूरा दिन और कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ड्रामा सा करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिए और वैसा नहीं क्या पैटर्न बना कुछ नहीं, लेकिन हाँ जिन लोगों ने सपोर्ट के ऊपर बाई किया होगा, रेजिस्टेंस पे सेल किया होगा, ठीक है, उन्होंने पैसा बनाया होगा। अदरवाइज मार्केट में पैसा ऐसा बना नहीं है। एक एक फ्लैट टाइप का फॉर्मेशन बना था, उसका भी इसने टारगेट पूरा नहीं दिया है। स्टॉप लॉस ज़्यादा खाए हैं और टारगेट बहुत कम दिए हैं। लास्ट के अंदर ये जो फॉल आया गया, अगर ये फॉल नहीं आता मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता, बहुत अच्छा सेटअप बनता था और मार्केट डेफिनेटली गैप अप होती थी, लेकिन मुझे अभी भी मार्केट गैप अप होती हुई दिखाई दे रही है और वो क्यों वो भी डिस्कस करेंगे। मार्केट में देखेंगे तो ये फॉलिंग वेज का वेज का पैटर्न जो है ये कंस्ट्रक्ट किया है इसने, और फॉलिंग वेज ये नीचे की तरफ आके इसने दो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। इसके साथ हम क्या चेक करते हैं, आपको पता है RSI, और RSI अगर हम चेक करेंगे डाइवर्जन हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो गाइस यहाँ पर कोई डाइवर्जन नहीं है, लेकिन 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली यहाँ ये आपका ऊपर से लेके नीचे आ रहा है और यहाँ से सेम जगह से ऊपर जा रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डाइवर्जन होते दिखा रहे हैं। जैसे ही ये लाइन जो मैंने आपको खींच रखी है इसका ब्रेकआउट होता है, एक गैप आपको फिल होता दिखाई देगा। और जो मैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, एक्सपायरी से पहले आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल की रैली चार्ट के ऊपर आती हुई दिखाई देगी। गैप अप और गैप डाउन में तो नहीं, लेकिन हाँ चार्ट के ऊपर मतलब ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स वो कैंडल जो आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। थर्सडे तक कल बनी तो बहुत बड़ी अपना एक्सपायरी के दिन तो डेफिनेटली बनेंगे, 3 दिन के अंदर देखते हैं। आज इसने बेस बनाने की पूरी जो चरण था, इतने बड़े फॉल के बाद जो बेस बनना था वो बेस बन गया। अब यहाँ से इसको उठना थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं कल कौन से लेवल है जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं डिलीट और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कौन से लेवल्स के ऊपर आकर रुकी है। डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, डेली एनालिसिस करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर गाइस डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो आप लोग, मार्केट ने अभी भी ये क्लोजिंग 50 EMA के नीचे ही दी है, विच इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। और उसके हिसाब से इसका जो पहला टारगेट है वो है 37,600, दूसरा है 36,000 आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 38,220 इसने सपोर्ट लिया है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। याद रखिएगा मार्केट ये जरूर बना चुकी है, अब एक बाउंस मार के अगर ऐसा करती है तो उसे गिरना है, एक पैटर्न बना के ही गिरना पड़ेगा, चाहे ये वाला हेड एंड शोल्डर मान लो, अगर इसको प्रॉपर गिरना है तो एक बाउंस जरूरी है। इतने फॉल के बाद में बाउंस मारेगी, उसके बाद में ये गिरेगी, तो हमें देखना है क्या हो सकता है। और अगर 39,600 के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो मार्केट गिरना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने ये किया है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं सेम लेवल के ऊपर, तो निफ्टी कल ही सपोर्ट ले चुकी थी और आज इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया है। बैंक निफ्टी को भी नीचे आने के लिए पूरा टाइम पास किया है, ये भी 38 लेवल के ऊपर ही सपोर्ट करिए। इसके लेवल भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको एक नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 17,420, ये 420 ही नंबर है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो हम स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे फॉर 18,085 और 18,625, ठीक है। वो आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ बनेगी। अगर यहाँ पर ईएमए का जादू देखने की कोशिश करें तो गाइस यहाँ पर जो रूम है, यहाँ पर थोड़ा सा रूम है, इतना बहुत पास आ चुकी है ये 200 EMA की, और जो 200 EMA है वो 16,880 के पास लगता है, एक 16,880 का दाव मारेगी ये थोड़ा सा और वहाँ से रिकवरी अच्छी खासी आनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ तक आती है तो फिवो का लेवल टूट जाएगा, वो देखना है कि क्या करता है, ये यहीं पर टाइम पास करती है 200 EMA ऊपर आएगी या
क्या पोजीशन बनती है वो देखना पड़ेगा, ये ऊपर जंप मारती है उसके बाद में नीचे आएगी, थोड़ा सा रिकवरी लेके 50 EMA को दोबारा से रिटेस्ट करके फिर दोबारा नीचे करेगी, वो शोल्डर भी बन जाएगा दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पे जो है सिनेरियो आपको आता हुआ दिख रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, जो यहाँ पर पैटर्न बना था वो पैटर्न क्या था, यहाँ पर था वो राइजिंग वेज। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइस पुट पोजीशन सबको मैंने अपनी डाल दी है, एक्चुअल में ये इसका टारगेट था, क्या बनता था इसका सर यहाँ तक साइज, इससे ज़्यादा ही टारगेट दे दिया 38,687 का लेवल बनता था, इसने इससे ज़्यादा का टारगेट दे दिया है। आज पूरा का पूरा टारगेट इसका जो है वो अचीव हो चुका है 100%। तो फॉलिंग एज का काम हो चुका है, डाइवर्जेंस का काम हो चुका है, क्योंकि डाइवर्जेंस जब भी होते हैं तो बड़ा होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 रेड कैंडल आपको ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है, अब एक ग्रीन कैंडल तो बनती है। यहाँ पर देखो कहाँ पर बनी, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रीन कैंडल यहाँ पर, ये छोटी छोटी बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद में बनी। बहुत रेयर होता है गाइस अगर 5-5 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में रिवर्सल जरूर आता है। कैन का वीडियो मेरे जिन भाइयों ने देखा है उन्होंने क्या बताया, उसके गैन का जो रूल है कि अगर मार्केट 5 दिनों तक लगातार गिरती है तो 3 consecutive days ग्रीन एक रिकवरी आने की, 3 दिन की रिकवरी आने की, 5:3 का रिकवरी आने का चांस होता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि गैन का लेवल भी फिलफिल हो गया है, 7 Friday का लो भी टूट गया है, सारे के सारे रूल्स फिलफिल हो चुके हैं, टारगेट नीचे के भी फिलफिल हो चुके हैं और इसका भी टारगेट पूरा हो गया, तो अब एक रिकवरी बनती है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ ओपन इंटरेस्ट, भाई क्या है ओपन इंटरेस्ट, कतल 0.57, ओवरसोल्ड, निफ्टी इज ओवरसोल्ड। वो छोड़ो बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप मारेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो ये है 0.51 एक्सट्रीम, ये इसके नीचे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएगी यार, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो मार्केट को संतुलन बनाए रखने के लिए एक गैप अप देना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मार्केट आपको कल के दिनों में वो रिकवरी दिखा सकती है, चार्ट के ऊपर ग्रीन दिखा सकती है, और कल नहीं हुई तो भाई तैयार रहेगा बोमा एक्सपायरी के लिए, आपको बहुत अच्छे सेटअप देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सेटअप्स के अंदर, इन आपके स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे जो हैं सेटअप बने अभी TST के, लेकिन मार्केट क्योंकि नेगेटिव था तो मैं BTST ये तो नहीं लेके गया, लेकिन स्टॉक्स कुछ लेके गए हैं हमारे VIP ग्रुप के अंदर भी, और कुछ ट्रेड देखते हैं कल क्या होता है किस हिसाब से भाग रहा है मार्केट। आज कोफोर्ज 78 points भागा, एंट्री नहीं, BS ने ऊपर की तो आई नहीं थी, चलो कोई नहीं, लेकिन ऊपर बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल देख लेते हैं गाइस कि किस लेवल पे आप कल ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी से शुरुआत करते हैं, निफ्टी के क्या लेवल रहेंगे कल के लिए, और ये लेवल रहेंगे निफ्टी के बहुत अच्छे कंसोलिडेशन जोन के अंदर, अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी है। कल के दिन आपको मार्केट हालांकि गैप अप होते हुए दिखाई दे रही है मुझे, तो कितना होगी ये कहना मुश्किल है। 17,045 के लेवल के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और 17,142 का पहला टारगेट होगा, यहाँ से एक रैली मैंने बताया था आपको मिलेगी 17,281 की और 17,380, ये कल की रेंज रह सकती है। मार्केट अगर गैप अप देती है तो होल्ड कीजिएगा, बाय मत कीजिएगा जब तक 17,142 का लेवल ना टूट जाए, इसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो तभी बाय कीजिएगा। सेल की पोजीशन के लिए ओनली एंड ओनली सेल इट बिफोर बिलो 16,912, उसके नीचे आपका पहला टारगेट होगा 16,800 का और 16,678 का। नीचे के लेवल मुझे कल कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ ऊपर के लेवल आपको आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके लिए हमारी US मार्केट को भी रिकवर करना पड़ेगा, जो कर रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। किसी भाई का रिक्वेस्ट आया था कि एक US मार्केट का भी रिव्यू कर लेना सर, वो भी देखेंगे कल। 38,528 के ऊपर बाई करना है, गैप अप होता है तो 38,879 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है बाई करना, 39,398 आपका पहला टारगेट और 39,732 दूसरा टारगेट रहेगा। ये आपके लेवल्स रहेंगे और मार्केट इन लेवल्स के ऊपर कल भी आपको डांस करता हुआ दिखाई देगा। 38,014 के नीचे सेल की पोजीशन, 37,666 और 37,152 ये आपके दूसरे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, US मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या दिखा रहा है। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी फॉल आपको देखने के लिए मिला, इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और उसका टारगेट क्या बनता था वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या ये टारगेट आ चुका है?
नहीं गाइस अब इसका टारगेट भी नहीं है, ये 28,281 के आसपास का लेवल दिखा रहा है। लेकिन डाउ जोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो डाउ जोन्स का टारगेट आ चुका है गाइस। इसने जो वेव बनाई थी, ठीक है, इसने जो एबीसी का वेव बनाया था उसके हिसाब से इसका टारगेट आ गया, और मेरे पॉइंट के हिसाब से 29,302 आना चाहिए था जो आपको यहां पर कहीं पे दिया था, और मार्केट उसी लेवल के ऊपर एक एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बना रही है। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी और बुलिश इनसाइड कैंडल, विच इज फॉर्मिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन फिबोनाची के हिसाब से ये थोड़ा सा और फॉल बता रहा है 37,000, तो हाँ थोड़ा सा और भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने गिर गया। तो अधर में है यूएस मार्केट, दिस इज नॉट रियली अ बिग सपोर्ट लेवल, कोई बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है अनलेस ये कोई ईएमए के ऊपर हो। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कोई ईएमए का सपोर्ट है यहाँ पर, कोई ईएमए का सपोर्ट नहीं है, सारी ईएमए के नीचे है भाई, ईएमए का सपोर्ट नहीं है। और अगर ये पॉज रिकवर नहीं होता अच्छे तरीके से तो मार्केट अपना ट्रेंड नीचे की तरफ जारी रखेगा और अपने इस ब्लैक लाइन की तरफ आने की कोशिश करेगा। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉल है डाउ जोन्स का वो 27,579 के पास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गाइस मार्केट क्रैश हो जाएगा, बहुत सारे देखो चांसेस हर चीज़ के होते हैं, अगर थिंग्स गेट एस्केलेटेड ऑफ वॉर फ्रंट जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है, चाइना की जो न्यूज़ आ रही है वो रूमर्स अगर सच में बदल जाती हैं, आपके पुतिन और यूक्रेन की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है, चाइना एंड ताइवान केसेस दोबारा, ये सब इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अनटिल अनलेस वो न्यूज़ नहीं आ रही है मार्केट कहीं नहीं जा रही है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इंडियन मार्केट विल बाउंस बैक, और इसके विपरीत अगर एक अच्छी न्यूज़, इफ़ देर इज़ एनी गुड न्यूज़ कमिंग सारी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट विल बी द फर्स्ट वन टू रिकवर द फास्टेस्ट। तो इसके चांस, अगर लोग बोलते हैं कि क्रैश के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं बोलता हूँ इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बाउंस बैक करेंगे तो बड़े ही धमाके से करेंगे, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई। और कमेंट सेक्शन में बताएगा आपने भी ये नोटिस किया नहीं किया, छोटे छोटे चार्ट के ऊपर भी आपको 100-100 पॉइंट की, 3-3 मिनट के चार्ट के ऊपर 100 पॉइंट की, 130 पॉइंट की, 150-150 पॉइंट की कैंडल बन रही है वॉलेटिलिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि मार्केट दोनों साइड अच्छा बाइंग और सेलिंग अच्छी तरीके से चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है, ठीक है। तो ये कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर लोगों के एसएल तो ऐसे खाए जा रहे हैं कि मत पूछो, बड़े बड़े वो भी, ठीक है। तो ये था गाइस एनालिसिस, प्लेस प्ले ऑन लेवल्स, और कल का मेरा व्यू अगर आप पूछोगे क्या है तो मार्केट आपका बड़ा, अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है बड़ा तो फिर पूरा दिन रहेगा साइडवेज। इफ मार्केट इज ओपनिंग लिटिल गैप अप लिटिल गैप डाउन टू साइडवेज, ठीक है, लिटिल गैप अप लिटिल गैप डाउन तो मार्केट ट्रेंडी रहने के चांसेस हैं। अगर सब कुछ बड़ा हो जाता है, मतलब कुछ बड़ा हो जाता है, बड़े से मेरा मतलब है निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के ऊपर खुलती है, ये 150 पॉइंट के ऊपर, ये 350 पॉइंट के ऊपर, तो हो सकता है मार्केट एक बार साइडवाइज हो। जैसे कि आप देखा होगा रात मैं लाइव था अपने VIP में स्टूडेंट के साथ में, तो उनको मैंने एडवांस में 3 बजे ही बोला था कि लास्ट के हाफ एन आवर में ये ऊपर की तरफ मार्केट लेके आएंगे और कंसोलिडेशन क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ देने की कोशिश करेंगे। गाइस क्या हुआ है देखेंगे, हैरानी होगी जान के, ठीक है। ये देखो कब शुरू हुआ, 3 बजे की कैंडल, हाफ एन आवर में भगाया मार्केट ने, ठीक है, वहाँ से नीचे से ऊपर तक 38,500 से, यहाँ पर 500 था, 500 से कंसोलिडेशन क्लोजिंग कहाँ पर आई है वो देखो ज़रा, 359 ऑलमोस्ट 141 पॉइंट का लॉस इसको, जिन लोगों ने BTST के नाम पर 3:28 या 29 पर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी इन सभी कैंडल्स को देख के, ठीक है। मैंने पोजीशन यहाँ बनाई थी, तो मैंने कैरी किया है एक दो थोड़े से लॉट्स यहाँ पर, क्योंकि मेरी पोजीशन यहाँ पर थी, तो लॉस में नहीं प्रॉफिट में ही क्लोज हुई है, लेकिन वो लॉस में ही हो जाएगी क्योंकि वो सारा जो भी ग्रोथ था वो चला गया, लेकिन उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना जितना लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ है, लोगों ने यहाँ पर बाई किया, मैं और मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पर बाई किया था, और ये डिस्कशन हमारा 3 बजे हो गया था कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से लॉट बाई कर लिए थे।
ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको चट्टी बढ़ गई। तो गाइस सीखना बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए मार्केट को किस तरीके से कैसे गया, ताकि आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की वजह प्रॉब्लम से अपने आपको बचा पाओ और मार्केट में लंबे टाइम तक पैसा बना पाओ। ठीक है, ये एनालिसिस था, आई डोंट वांट टू वेट फॉर लॉन्ग, दैट्स व्हाई आई रिकॉर्डेड इट अर्ली। फिर मुलाकात होगी उससे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। हंसी गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।